बहुत ही महान देश के रूप में देखना चाहता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम जेठमलानी की। भारत के बहुत बड़े लॉयर, इनसे बेहतरीन लॉयर भारत में आपको नहीं मिलेगा। क्रिमिनल लॉयर थे और क्या केस लड़ते थे दोस्तों। ज्यादातर केस इन्होंने जीते ही हैं, हारी हुई बाजी जीती थी इन्होंने। और गजब के लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे। बहुत दुखद खबर आई है दोस्तों कि इनका देहांत हो गया। सुबह 7:30 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली और स्वर्गवास हो गया इनका। तो मैं पर्सनली इनको बहुत ज्यादा फॉलो करता था, राम जेठमलानी जो भी बोलते थे, काफी लेक्चर्स मैंने इनके सुने हैं। गजब के लॉयर थे दोस्तों, क्या जबरदस्त समझ थी। एक इंटेलेक्चुअल थे, एक ह्यूमैनिस्ट थे, एक्सट्रीमली वाइज एंड ह्यूमेन पर्सन। आपको बताना चाहता हूं कि राम जेठमलानी का ज्यादातर काम फ्री होता था, ये फ्री सर्विस करते थे। 90% इनका काम फ्री होता था, 10% जो अमीर क्लाइंट होते थे उनसे ये पैसा लेते थे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सैलरी आती थी उससे ये पैसा लेते थे। सोशल सर्विस में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और इन्होंने हमेशा बोला है कि जो भारत की जनता पे मेरा कर्ज है वो कर्ज मैं चुका के जाना चाहता हूं, उस कर्ज को मुझे चुकाना ही है। कोई भी फरियादी इनके पास आता था उसको कभी भी ना नहीं किया। अक्सर इनको काफी मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि इन्होंने काफी कॉन्ट्रोवर्शियल केस लड़े हैं। दाऊद इब्राहिम को इनको फोन आया था, राम जेठमलानी के पास दाऊद इब्राहिम का फोन आया था, खुद इन्होंने बताया है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का केस हो गया, अमित शाह का केस हो गया, या हम देखते हैं इंदिरा गांधी के हत्यारों का केस हो गया, हर्षद मेहता का केस हो गया, जेसिका लाल मर्डर में मनु शर्मा का केस हो गया। तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इन्होंने केस लड़े हैं, इसलिए इनको एक ऐसा बोला जाता है कि ये तो ये जो लॉयर हैं वो क्रिमिनल के लॉयर हैं, ये उनके लॉयर हैं जो क्राइम करते हैं। लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ एथिक्स होते हैं दोस्तों। जब आप लॉयर बनते हैं, जब आप वकील बनते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये होता है, और जब आप एडवोकेट बनते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम को पास करते हैं, तो उसमें सीधा सीधा ये लिखा होता है एडवोकेट एक्ट में कि कोई भी आपके पास फरियादी आए, वो गिल्टी हो चाहे ना हो, वो आपका काम नहीं है। आपका ये काम है कि अगर कोई फरियादी आपके पास आ रहा है, केस लेके आ रहा है, तो आप उसको मना नहीं करेंगे, आपको उस केस को लड़ना ही है। उसी एथिक्स पे राम जेठमलानी चले। तो आज हम इनकी पूरी जिंदगी देखेंगे, बहुत ही कमाल का जीवन रहा है दोस्तों। 10 रुपए लेके आए थे भारत में, एक रिफ्यूजी बन के आए थे, लेकिन उसके बाद बुलंदियों को छू लिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो हम देखते हैं राम जेठमलानी का जन्म शिकारपुर में हुआ था, जो कि सिंध में आता है, आज के पाकिस्तान में। राम जेठमलानी का 14 सितंबर 1923 में जन्म हुआ था, 6 दिन बाद इनका बर्थडे था। और हम यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये इनका 96th बर्थडे होता, लेकिन 95 साल में इनका निधन हो गया। आज के दिन इनका निधन हुआ है, क्योंकि आज मैं शाम को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो राम जेठमलानी का जन्म आज से 95 साल पहले हुआ था, शिकारपुर सिंध में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उस वक्त अंदर आता था शिकारपुर सिंध। अब हम ये देखते हैं कि इनकी माता जी का नाम पार्वती मूलचंद और इनके पिताजी का गुरमुख दास। बेटा हुआ, बहुत ज्यादा खुशियां, मिठाई बांटी गई। राम जेठमलानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे। राम जेठमलानी इतने ज्यादा पढ़ने में तेज थे, इन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में 1 साल के अंदर अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा की सारी किताबों को पढ़ लिया। ये सारे एग्जामों को इन्होंने एक झटके में पास कर लिया। इनको 2 बार प्रमोट किया गया। इसी कारण सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने 10वीं की एग्जाम पास कर ली। उसके बाद इन्होंने बोला मुझे करना है लॉ, क्योंकि इनके जो रिलेटिव्स थे वो लॉयर्स थे, लॉ का प्रोफेशन इनको बहुत अट्रैक्ट करता था, तो इनको कानून पढ़ना था। लेकिन इनके परिवार वालों ने बोला कि नहीं बेटा, अभी साइंस पढ़ो तुम। तो 12वीं तक किसी तरीके से इन्होंने साइंस पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी साइंस पढ़ी। लाहौर में गए थे ये, लाहौर के एक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। वहां से जब इंटरमीडिएट से पढ़ाई पूरी करके निकले, उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। सिंध में जो भी यूनिवर्सिटी थी वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, तो यहां पे 2 साल का एक कोर्स था लॉ का। उस समय फॉर्चुनेट थे राम जेठमलानी, लॉ पढ़ना था और लॉ का कोर्स 2 साल का था, वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया था।
तो यहां पे हम देखते हैं कि इनको मिल गई एलएलबी की डिग्री। अब उसके बाद इनको एलएलएम की डिग्री, हायर डिग्री चाहिए थी, लेकिन इसके लिए 21 साल की एज होनी चाहिए भैया। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि इन्होंने अपने जिंदगी का पहला केस लड़ा। 17 साल की उम्र में आपके पास लॉ की डिग्री है, आप कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं सर, ये पता चल गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 21 साल, वहां का जो बार काउंसिल था सिंध का, उन्होंने बोला था कि 21 साल से पहले नहीं आप एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको लॉ की डिग्री चाहिए, मतलब एडवोकेट बनना है, तो भैया 21 साल तो मिनिमम एज। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं लॉयर में क्या फर्क होता है, जिसके पास लॉ की डिग्री है वो लॉयर होता है। एडवोकेट कौन होता है? अगर आप बार काउंसिल का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर भारत की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करते हैं तो आप एडवोकेट हो जाते हैं। ये हायर होता है, हायर पोस्ट होती है, और यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह केस लड़ सकते हैं, ठीक है, और लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों की तरफ से बोल सकते हैं। बैरिस्टर कौन होता है? जो लॉ की डिग्री इंग्लैंड से लेके आया होता है। तो ये चीज आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इनको तो एडवोकेट बनना था, अब इनको हायर डिग्री चाहिए, एलएलएम में अगर एनरोल करना है तो 21 साल एज होनी चाहिए। इनका मूड खराब हो गया, इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ा। अब अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ा, ये चले गए सिंध के कोर्ट में। 21 साल नहीं सर, 17 साल एज करिए। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मेरी क्या गलती है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, 17 साल एज करिए। आर्ग्यूमेंट होता है जस्टिस गॉडफ्री डेविस से। जस्टिस गॉडफ्री डेविस जो थे उस समय, इनका जो एक काफी नेस्टी जज इनको माना जाता था, इनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन यहां पे जब राम जेठमलानी, 17 साल के राम जेठमलानी को इन्होंने अपना केस लड़ते हुए देखा, इससे पहले ये कभी भी नहीं हुआ था, गॉडफ्री डेविस इनके सामने झुक गए, बोला यंग मैन कम हियर, तुम ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उन्होंने इंग्लिश में बोला होगा, हम तुमको 17 साल में बिल्कुल पढ़ने को देंगे। लेकिन 17 साल नहीं, 18 साल हम यहां पे एक्सेप्शन डाल रहे हैं, ये जो इनका कानून है। उन्होंने रिक्वेस्ट की, पूरी एक कमिटी बैठी, मतलब हाँ कमिटी बैठी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक साल, मतलब 3 साल एज कम करिए, तो इस एज को 18 साल करिए। तो यहां पे राम जेठमलानी ने बोला ठीक है सर, मैं आपसे बिल्कुल बहस नहीं करूंगा, 17 साल नहीं आपने 18 साल कर दी, मेरे लिए बहुत है। तो जैसे ही 18 साल के हुए, इनका एनरोलमेंट होता है और फाइनली इनको एलएलएम की डिग्री मिल गई। तो ये चीज हम देखते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी फर्म एस्टैब्लिश कर ली। अब इन्होंने अपनी फर्म किसके साथ एस्टैब्लिश की थी? मिस्टर ब्रोहित के साथ। भैया ये पहले लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अब ये बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल थे, इनके लेक्चर सुनने जाते थे राम जेठमलानी, और इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। राम जेठमलानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर था ब्रोही, जो कि कराची में इन्होंने अपनी फर्म, अपनी लीगल फर्म एस्टैब्लिश की थी। लेकिन उसके बाद हो गया बंटवारा और फिर वहां पे दंगे शुरू हो गए, तो फिर ये भारत आए। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए थे, बहुत ही कम रुपए लेके ये भारत आए और रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। रिफ्यूजी कैंप में कुछ दिनों तक रहे। अब वहां पे रिफ्यूजी कैंप की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मोरारजी देसाई जो कि उस समय चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे उन्होंने 96 कॉलोनीज कुछ रिकॉग्नाइज की थी, और बहुत बुरी हालत थी बॉम्बे की अगर बात करें तो। वहां पे रिफ्यूजी कैंप में रहने जरूर लगे थे, लेकिन कंडीशन बहुत बुरी थी। तो हुआ क्या कि कंडीशन कुछ इस तरीके की बदली कि ये इसको भी चैलेंज करने चले गए कोर्ट में। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो रिफ्यूजीज आते थे, उनसे आसानी से कोई भी उनको मार देता था, कोई उनको टॉर्चर करता था, इंटरोगेट करता था। तो ये राम जेठमलानी को बहुत ज्यादा खराब लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कोर्ट में चले गए और ऑर्डर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। अब जब बॉम्बे कोर्ट ने उनकी बातें सुनी, बॉम्बे कोर्ट ने बिल्कुल बोला कि ये जो कर रही है सरकार, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और किसी को भी ये हक नहीं है कि लोगों के राइट्स का हनन किया जाए, और यहां पे ऐसे इंटरोगेट करना या बिना परमिशन के किसी को मारना, रिफ्यूजीज को तंग करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहां से इनके करियर की शुरुआत हो गई और उसके बाद इनका करियर बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग रहा दोस्तों। और एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे, लॉयर के साथ साथ बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। लेकिन इनको लैम्पलाइट किसने दी? के एम नानावटी केस ने।
केएम नानावटी केस में ये लैमलाइट में आ गए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था। अब इसकी केएम नानावटी केस पे मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है तो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और ये पहला लास्ट जूरी ट्रायल था, इससे किसके बाद जूरी ट्रायल जो है वो एबॉलिश हो गया। अभी हम जो जो इन्होंने केस लड़े हैं उन सारे केसेस की बात करेंगे, कुछ टाइम के लिए अभी हम केसेस नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। उसके अगले साल इन्होंने स्मगलर्स को डिफेंड किया, तो यहाँ पे बोला जाने लगा कि जेठमलानी जो है वो स्मगलर्स लॉयर हैं, वो स्मगलर्स के केस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कुछ सही नहीं है। फिर इसके बाद ये प्रोफेसर भी बन गए। वैसे आपको बता दूं कि 1954 से लेकर अभी तक जब भी इनको किसी भी कॉलेज से न्योता मिलता है ये जाते हैं, ये प्रोफेसर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और अमेरिका के भी कुछ कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो कभी भी इन्होंने कॉलेजेस को ना नहीं किया। फिर ये बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के भी ये मेंबर रहे, ठीक है ना, इमरजेंसी के दौरान पहले और बाद में ये बार काउंसिल के चेयरमैन रहे जो भारत का था, और चार बार इनको चेयरमैन चुना गया। बहुत ही एफिशिएंट लॉयर थे। जो लोग इनको जानते हैं वो बताते हैं इनके बारे में कि क्या गजब का इनका कैलिबर था। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि एक बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के और वो भी काफी इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो भी बताते हैं कि जबरदस्त इंसान है यहाँ पे। उसके बाद राम जेठमलानी ने बोला कि अब मैं ज्वाइन करूंगा पॉलिटिक्स, तो दोस्तों 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई। अब यहां पे इमरजेंसी में आपको पता ही है कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, हर किसी को पकड़ा जाने लगा, पॉलिटिशियन को अरेस्ट, यहां पे एक्टिविस्ट को अरेस्ट, तो यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन होने लगा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ हमेशा से राम जेठमलानी रहे हैं कि किसी को भी सिर्फ शक के आधार पे जेल में बंद करना ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इंदिरा गांधी ने यही करना शुरू कर दिया, हर किसी को जेल में डालने लगी वो 1975 से लेकर 1977 तक। तो इसके लिए 12 लोग जो थे, 12 लॉयर्स का ग्रुप था जिसको शांति भूषण लीड कर रहे थे, कोर्ट चले गए, जिसमें राम जेठमलानी भी थे। राम जेठमलानी ने आर्ग्यू किया कि ये हमारा बेसिक राइट है, बेसिक राइट्स को आप कैसे हनन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई लीगल एड नहीं दी जा रही है, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट में केस नहीं जा रहा है, सिर्फ जेल में उठा के डाल दिया जा रहा है। किसी को भी जेल में डाला जाता है 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो ये नहीं हो रहा है। हबीस कॉर्पस का कंसेप्ट यहाँ पे सामने आया। दोस्तों आपको बता दूं कि जो केसेस लड़े हैं यहाँ पे राम जेठमलानी वो आइकॉनिक है, बहुत सारे कानून में बदलाव आ गया दोस्तों इन जजमेंट से, तो आइकॉनिक केसेस यहाँ पे लड़े हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि ये पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा था लेकिन कोर्ट ने भी मानने से मना कर दिया, कोर्ट ने भी सेंटर का फेवर किया, इंदिरा गांधी का फेवर किया, इमरजेंसी थी। अब 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी रही। 1977 के बाद इन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यहां पे उस समय तो बीजेपी नहीं थी लेकिन जब जनता पार्टी का उदय होता है 1977 के बाद, तो यहाँ पे जो इस समय के बीजेपी के लीडर्स हैं और इस समय बीजेपी आप देख रहे हैं उसके मेंबर्स उस समय जनता पार्टी में थे, तो वहां के जनसंघ के मेंबर्स को बड़ा बेइज्जत करके, बहुत बेइज्जती और काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बाहर निकाल दिया गया, बहुत ज्यादा यहाँ पे बुरा लगा सबको। तो जनता पार्टी का धड़ा जो है वो दो ग्रुप में बट गया। अब वहां से बीजेपी निकली, राम जेठमलानी ने बोला कि मैं तो फाउंडिंग मेंबर्स, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, बीजेपी का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हूं, उसके बावजूद मुझे पार्टी ने निकाल दिया। वैसे एक चीज तो आपको बतानी बोलना चाहूंगा कि राम जेठमलानी ने कभी किसी को मना तो किया नहीं है, कि कोई भी उनके सामने केस लेके आता था वो बिल्कुल हाँ कर देते थे। अब हुआ क्या कि जिनका इन्होंने केस लड़ा है ऐसा राम जेठमलानी बोलते हैं, उन्होंने ही इनकी पीठ पे झुरा भोंका है। बीजेपी के बहुत सारे, अमित शाह का इन्होंने केस लड़ा, मोदी जी इनके पास गए थे कि आप हमारे पास आ जाइए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे कि हमारा केस लड़िए, और लाल कृष्ण आडवाणी ने ही जब इनको पार्टी से निकाला जा रहा था उस पेपर पे साइन किया था। तो राम जेठमलानी भर भर के इस चीज को कोसते हैं कि बताइए ऐसा होता है। वैसे पॉलिटिशियंस को भर भर के गाली भी देते हैं राम जेठमलानी। राम जेठमलानी हमेशा एक जोक बोलते हैं कि अगर एक पॉलिटिशियन नदी में गिर जाए तो वो पॉल्यूशन है, लेकिन अगर सारे पॉलिटिशियन नदी में गिर जाए तो वो सल्यूशन है। तो ये जो जोक है वो हमेशा कोट करते हैं। तो हम इमरजेंसी की बात कर रहे थे। 1977 में जनता पार्टी के दो धड़े हो गए, बीजेपी का फॉर्मेशन हो गया।
यहां पे फिर इलेक्शन लड़ते हैं राम जेठमलानी, लेकिन इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हालांकि वो इलेक्शन हार गए, लेकिन राज्यसभा से जब 1988 में इनको राज्यसभा से चुना गया तब बहुत बढ़िया हुआ दोस्तों। इसी दौरान दोस्तों इनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था बॉम्बे का, मतलब जब बॉम्बे में लोकसभा इलेक्शन हुए थे 1977 में, तो इनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था। लेकिन राज्यसभा 1988 से ये राज्यसभा के मेंबर हैं और अभी तक ये मेंबर हैं राज्यसभा के, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पे हम देखते हैं जब बीजेपी बनी, बीजेपी को सीट्स मिली, बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ही ली थी जैसा कि मैंने बताया, खुद बताते हैं ये बीजेपी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस, कंपनी अफेयर्स का मिनिस्टर, तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। हालांकि 1996 में से 13 दिन की सरकार थी, तो लॉ मिनिस्टर खाली 13 दिन की सरकार में ही बने थे। लेकिन जब 1998 अटल बिहारी का जब दूसरा टेन्योर स्टार्ट हुआ, तो वहां पे इनको अर्बन अफेयर्स और एम्प्लॉयमेंट का पोर्टफोलियो जो है वो दिया गया, ठीक है ना। और 1999 में तो अगेन इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, आपको पता ही है। अब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ इन्होंने लड़ा, आपको बता दूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कोई लड़ेगा तो वो जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। राम जेठमलानी यहां पे हार गए। 2010 फिर से राज्यसभा में आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान से आइए और सिलेक्ट किया गया। अब ये बताते हैं कि 2010 में अमित शाह और मोदी जी दोनों मेरे पास आए थे। एक्चुअली जो ब्लैक मनी का मुद्दा था दोस्तों, ऐसा होता है कि हम सिर्फ वो चीज देखते हैं जो हमको दिखाई जाती है। अब ये बताते हैं कि ब्लैक मनी का जो मुद्दा था वो मैंने उठाया था। मैंने मोदी जी को बोला था कि ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों अरबों रुपए ये जो बाहर पड़े हुए हैं, आप इसको लेके आइए, आप अपने मैनिफेस्टो में ये इंक्लूड करेंगे तभी मैं आपकी पार्टी में आऊंगा। राम जेठमलानी का पार्टी में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? बहुत एक्सपीरियंस, गजब के लॉयर, कानून की बहुत तगड़ी जानकारी। जब हर कोई फेल हो जाता था तब राम जेठमलानी को बुलाया जाता था कि आप हैंडल करिए, तो पार्टी में आना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो यहां पे अमित शाह, उस समय अमित शाह का केस सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस वो भी हैंडल कर रहे थे। अब वहां पे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस जब राम जेठमलानी ने हैंडल किया, तो अमित शाह को वहां से निकाल के लेके आए। तो यहां पे हम देखते हैं कि राम जेठमलानी ने बीजेपी के लिए बहुत किया। 2010 में इनकी दोबारा पार्टी में एंट्री होती है, लेकिन अगेन 2012 में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन राम जेठमलानी ने नितिन गडकरी को एक लेटर लिख दिया था। अब ये लेटर में था कि बहुत सारे बीजेपी के नेता करप्ट हैं और अच्छा खासा इनके पास करप्शन है। अब जैसे ये चीज हुई, इस लेटर को पब्लिकली लीक करवा दिया गया। नितिन गडकरी को लिखा था, पार्टी प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये लेटर लीक हो गया। किसने लीक कराया? अब यहां पे राम जेठमलानी इशारों इशारों में बोलते हैं अरुण जेटली। अरुण जेटली से बिल्कुल इनके जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं। राम जेठमलानी बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं अरुण जेटली, कुछ लीडर से, कुछ बीजेपी के नेताओं से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो यहां पे वो लेटर लीक हो गया, हर किसी ने ये लेटर पढ़ लिया, इनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये चीज हुई थी। अब यहां पे बीजेपी को भर भर के इन्होंने कोसना चालू कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी पे, आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। तो लाल कृष्ण आडवाणी पे जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, दो बार इनको पार्टी से एक्सपेल किया जा चुका, ये दूसरी बार था। तो अरुण जेटली और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों राम जेठमलानी के पास आए, उन्होंने बोला कि सर आप मेरा केस लड़िए। तो राम जेठमलानी ने पहले मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं लड़ सकता, प्रॉब्लम यह कि मुझे तुम्हारा केस पता नहीं। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का केस अरुण जेटली लड़ रहे थे, और लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली दोनों ही चाहते थे कि राम जेठमलानी अब आए, ठीक है, आप पिक्चर में वो आए, केस जो है वो इनको हैंडल, मतलब वो हैंडल करें। तो यहां पे हुआ ये कि राम जेठमलानी ने पहले तो मना कर दिया कि देखो मैं, मुझे केस की पूरी जानकारी नहीं है तो मैं नहीं लड़ूंगा। 2 हफ्ते बाद दोबारा आए लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली, फाइनली राम जेठमलानी मान गए, और जो भी चार्जेस थे लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ उन्होंने वो सारे क्वैश करवाए, सारे खत्म करवाए, कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, पहली बार जब राम जेठमलानी को निकाला गया था पार्टी से, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं उस पेपर पे साइन किया था, बहुत ज्यादा दुख हुआ। 2010 में जब मोदी जी, अमित शाह का केस भी राम जेठमलानी देख रहे थे, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का केस था, तो यहां पर राम जेठमलानी ने जो भी चार्जेस थे वो हटवाए। लेकिन फिर 2012 में दोबारा इनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब उसमें किसका हाथ था आप समझ ही सकते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा गुस्साते हैं और बोलते हैं कि मैंने कितना कुछ किया,
कोई भी मेरे पास आता है और मैं कभी भी मना नहीं करता। आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया कि बार काउंसिल में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई आता है जो एडवोकेट एक्ट है तो आप मना नहीं कर सकते, आपको केस लड़ना ही लड़ना है। दूसरी चीज ये होती है कि अब यहां पे बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। यहां पे ये बोला जाता है राम जेठमलानी के लिए कि इन्होंने तो क्रिमिनल्स का केस लड़ा है, हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट भी जज अलॉट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया, पहली बात ये है कि ये इसलिए भी मना नहीं करते क्योंकि एडवोकेट एक्ट में है। दूसरी चीज ये है कि जैसे क्या होता है कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो राम जेठमलानी ने केस लड़ा क्योंकि उनके पास बहुत इल्जाम रखते हैं कि क्रिमिनल्स का केस लड़ते हैं। तो जैसे इंदिरा गांधी के हत्यारे जो थे, इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा था, ठीक है, उनके बॉडीगार्ड्स ने ही मार दिया था, बलबीर सिंह। तो यहां पे बलबीर सिंह से जब हाईकोर्ट ने पूछा, क्योंकि ये फर्ज होता है कोर्ट का कि हर किसी को डिफेंड करने का मौका देना चाहिए, तो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास वकील है, उन्होंने बोला नहीं, हम आपको वकील नियुक्त करेंगे, आप किस क्या चाहेंगे, कैसे मतलब आप वकील चाहेंगे कि नहीं, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चाहेंगे। तो यहां पे जो वकील की मांग की थी उनका नाम था राम जेठमलानी। कहने का मतलब यह है कि हर एक मुलजिम से यह पूछा जाता है कि आपको वकील चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कोर्ट प्रोवाइड कराती है वकील। अब यहां पर रिक्वेस्ट अगर किसी खास वकील को चली जाती है तो उसको वो केस लड़ना पड़ता है। तो ये राम जेठमलानी के साथ दिक्कत रही है और उन्होंने सारे केसेस को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया और पूरी मेहनत से लड़ा। तो ये भी सारी, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जज करने से पहले किसी को भी अगर हम जज कर रहे हैं या किसी को इतनी जल्दी हम आंक ले रहे हैं तो पहले पूरी कहानी जाननी होती है कि एक्चुअली में सर्कमस्टेंसेस क्या है। ये चीज आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम देखते हैं ये सारी चीजें हुई, तो क्रिमिनल्स का केस जो लड़ते थे ये बेसिकली राम जेठमलानी उसका रीजन देते हैं। कुछ केसेस तो वाकई में इनको नहीं लड़ने चाहिए थे लेकिन अब इन्होंने लड़ा। खैर अब वो जो 100 से ज्यादा इन्होंने केस लड़े हैं, मतलब बहुत सारे इन्होंने केस लड़े, 100 क्या बहुत सारे केस, एग्जैक्ट गिनती तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ फेमस केसेस की अभी हम बात करेंगे। 8 सितंबर को इनका देहांत हो गया, यानी कि आज के दिन नई दिल्ली में ही इनका देहांत हो गया और ये बहुत ज्यादा दुखद खबर है। लगभग 7:45 बजे इनका देहांत हुआ और 6 दिन दूर थे अपने 96th बर्थडे के। अब हम इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। सबसे पहले तो जो बॉम्बे स्टेट ने लॉ पास किया था, मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्या था, किसी को भी इंटरोगेट कर सकते हैं। तो बॉम्बे स्टेट के जो पहला इनका केस था, सबसे पहला केस भारत में यही था इनका, कि बॉम्बे स्टेट के अगेंस्ट चले गए थे कि आपने जो लॉ पास किया है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप किसी को भी, किसी भी रिफ्यूजी को ऐसे रिमांड में रख के उसको प्रताड़ना नहीं दे सकते, इंटरोगेट नहीं कर सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बात मानी। नानावटी मर्डर केस, इस पर मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, पता ही होगा दोस्तों आपको, कावस नानावटी, उनकी पत्नी सिल्विया और प्रेम आहूजा। होता क्या था कि कावस नानावटी जो थे वो नेवी में ऑफिसर थे, बाहर रहते थे, सिल्विया जो हैं वो प्रेम आहूजा के प्रेम में पड़ गई, ठीक है, लव करने लगी सिल्विया जो हैं, इनकी पत्नी थी कावस नानावटी की। अब हुआ क्या कि जब नानावटी सिल्विया के पास आए तो सिल्विया का बिहेवियर बिल्कुल चेंज। सिल्विया ने बताया कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। नानावटी प्रेम आहूजा के पास गए, नानावटी ने बोला क्या तुम सिल्विया को एक्सेप्ट करोगे, प्रेम आहूजा ने ये जवाब दिया ऐसा। अब देखिए जो सबूत है उसके तौर पर मैं बता रहा हूं, प्रेम आहूजा ने ये बताया कि अब मैं क्या हर उस लड़की के साथ साथ शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोया हूं या जिसके साथ मैंने रात गुजारी है। मूड खराब हुआ, रिवॉल्वर निकाली, नानावटी ने प्रेम आहूजा को वहीं पर मार दिया। तो अब नानावटी थे पारसी, पूरा तो जो देश था वो नानावटी के साथ था, पूरा देश नानावटी के साथ था। पहला मीडिया ट्रायल था, मीडिया में पल पल की खबरें आ रही थी, प्लस इसके बाद जूरी जो है, जूरी ट्रायल वो एबॉलिश हो गया, पहले जूरीज होती थी, ठीक है, वो एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि जब इस केस में जूरी, ऐसा बोला जाता है, राम जेठमलानी बोलते हैं कि पूरी जूरी को खरीद लिया गया था और यहां पे जो जूरी का जजमेंट आया डेफिनेटली वो नानावटी के प्रति आया क्योंकि पूरी सिंपैथी नानावटी के साथ थी कि एक उनकी बीवी है और वो दूसरे से प्रेम करती है और यहां पे अगर उसके प्रेमी को कावस नानावटी ने मार दिया है तो उसमें गलत क्या किया, तो मीडिया ने कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे किया। लेकिन यहां पे राम जेठमलानी सामने आए, पूरे केस को राम जेठमलानी ने डायरेक्टली नहीं लड़ा, ये आप ध्यान में रखिए, ना ही वो नानावटी के साथ थे ना ही वो प्रेम आहूजा के साथ थे, लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनको हेल्प की यहां पे राम जेठमलानी। एक लेटर लिखा था प्रेम आहूजा की बहन ने राम जेठमलानी को कि प्लीज आप हेल्प करिए हमारी, प्रेम आहूजा भी सिंधी थे, राम जेठमलानी भी सिंधी, तो डेफिनेटली ये चीज तो थोड़ा कनेक्शन था ही, पूरी सिंधी कम्युनिटी जो थी वो प्रेम आहूजा के साथ थी और पूरी पारसी कम्युनिटी
नानावटी के साथ थी। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ये पूरा, अब देख लीजिएगा नानावटी मर्डर केस पे मेरा पूरा का पूरा सेपरेट लेक्चर है, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी, काफी लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है, वहां पर मैंने सब एनालिसिस किया है। तो इस केस के बाद हम देखते हैं राम जेठमलानी लैम लाइट में आ गए और रातों रात उनको शोहरत मिल गई। उसके बाद इमरजेंसी को इन्होंने चैलेंज कर दिया था, ठीक है ना, कि ये जो आप कर रही हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इंदिरा गांधी के असासिन जो इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा था उनको, उनका केस लड़ा था बलबीर सिंह, केहर सिंह ही थे। उसके बाद फिर हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज, अरे बापरे, अब इस पर भी मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर था, उसकी एक फर्म थी। अब होता क्या था कि बैंक जो है वो सिक्योरिटीज इशू करती थी, तो हर्षद मेहता का काम क्या था कि उन सिक्योरिटीज को दूसरे बैंक को देता था और बैंक से पैसा लेता था। तो अब यहां पे बहुत लंबा चौड़ा घोटाला किया था इसने, बहुत तगड़ा घोटाला किया, करोड़ों रुपए बनाए थे। बैंकों को पता नहीं होता था कि मतलब उनकी सिक्योरिटीज कहां पे बेची जा रही है। अब ये बहुत ही टेक्निकल इशू है, इस पे भी मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है। तो हर्षद मेहता को यहां पे डिफेंड किया था राम जेठमलानी की, ये तो निर्दोष है। और यहां पे पीवी नरसिम्हा राव को भी रिश्वत दी गई थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था, लेकिन ये साबित नहीं हो सका। तो हर्षद मेहता को भी उन्होंने डिफेंड किया, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को भी डिफेंड किया। यहाँ पे दोस्तों हिंदुत्व पे एक्चुअली क्या था कि आप इलेक्शन में जब बीजेपी राम रथ पे सवार थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। अब भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो यहाँ पे राम जेठमलानी के पास बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स गए कि आप कुछ करिए। तो राम जेठमलानी ने कोर्ट में बहस की और कोर्ट ने ये हिस्टोरिक जजमेंट दिया कि हिंदुत्व ये कोई धर्म नहीं है, ये तो एक सोच है। तो भैया हिंदुत्व यहाँ पे कोई एक रिलीजन से आप उसको जोड़ के मत देखिए, ये एक सोच है। ये हिस्टोरिक जजमेंट था कि आप कैसे जीना है वो आपको बताता है हिंदुत्व। तो यहाँ पे जो जजमेंट हुआ आए हैं वो आइकॉनिक, फिर लाल कृष्ण आडवाणी का केस, अमित शाह का केस, मनु शर्मा का केस, ये बहुत बड़े बड़े केसेस हैं। वैसे तो बहुत सारे इन्होंने केसेस लड़े हैं, लेकिन राम जेठमलानी जब भी अपनी बात रखते बड़े पुरजोर तरीके से रखते थे। इनके आप इंटरव्यूज देखिए, बहुत ही जबरदस्त, क्या जबरदस्त सोचते थे ये और क्या बहस करते थे, इनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। क्रॉस एग्जामिन जब करते थे, बोलते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे लेबर करना होता है, बहुत मेहनत करना होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या, सवाल पूछना, जो अक्यूज है उससे सवाल पूछना, उधर से अगर वो कुछ भी जवाब दे रहा है उसी में ही उसको फंसा के उसको गलत साबित करना, तो इसके लिए बहुत मेहनत होती है। अभी इस समय की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन की इतनी ज्यादा एबिलिटी किसी के पास नहीं, धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। तो दोस्तों अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 18 साल में इनकी दुर्गा से शादी हुई और 1947 में इन्होंने रत्ना सानी से शादी की। इन्होंने दो शादियां की थी, वैसे इनको काफी रंगीन मिजाजी बोला जाता है और बोलते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्यार बिल्कुल करो और जितने ज्यादा बूढ़े होते जाओ उतनी कंपनी यंग रखो। 90 साल की उम्र में ये इतने यंग थे, इनका दिमाग इतना यंग था, ऐसा कैसे हो जाता है, तो ये हमेशा इस चीज को बोलते थे। काफी ज्यादा इनके अफेयर्स रहे हैं बहुत सारे, और ये बोलते हैं इसमें कोई ऐसी खास बुराई भी नहीं है, लेकिन किसी का बस मतलब दिल ना तोड़ो किसी का, तो ये चीज है। अब इनके हम देखते हैं कि जो इनकी पूरी फैमिली है, चार बच्चे हैं इनके, ठीक है, तीन जो है वो दुर्गा से हैं और एक जो है वो रत्ना से हैं, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब हम तो यही चाहेंगे कि राम जेठमलानी जैसे बहुत सारे वकील, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है, बहुत सारे वकील हैं और देश के लिए बहुत काम करें। राम जेठमलानी बोलते हैं कि मेरा जो जो हिंदुस्तान के लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है वो मैं चुका के जाना चाहता हूं और भारत को एक बहुत ही महान देश के रूप में देखना चाहता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आशा करता हूं आप